अपना हुनर दिखा दे आज। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक इमरजेंसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं। एक बंदा जो है वो दूसरे माले से गिर गया है और सीरियसली इंजर्ड है। तो अब हमारे साथ हैं तीनों टीम्स। हर टीम में चार चार मेंबर होंगे, यानी कि टोटल 12 मेंबर्स इस टास्क के लिए कम्पीट करेंगे। इनका टास्क है बैंडेजिंग, स्प्लिंटिंग, लिफ्टिंग एंड मूविंग, और इसके लिए इनको मिलेंगे प्लेटिनम 10 मिनट। आज के टास्क का मुख्य काम है इमरजेंसी के टाइम पर कैसे पेशेंट की सही जांच और उपचार कौन सही तरीके और कम समय में कर पाता है। टीम्स को एक डमी को जानलेवा सिचुएशन में सहायता करनी है। पेशेंट का आकलन कर उसको सही तरीके से स्ट्रेचर तक और फिर उसको एम्बुलेंस तक लाना होगा। अब जानते हैं इन कंटेस्टेंट्स के बारे में। टीम ए में आशीष के नेतृत्व में मैत्री, भक्ति और प्रियंका पार्टिसिपेट कर रही है। टीम बी में मुर्तजा के नेतृत्व में हिस्सा ले रहे हैं प्रितेश, तश्मिया और सुजाता। और वहीं टीम सी में गणेश के नेतृत्व में दीपक, शिव और साजिया हिस्सा ले रही हैं। और ये सभी हुनरबाज इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस हैं। टीम ए, आपका टाइम शुरू होता है अब। कंपटीशन शुरू हो चुका है और 10 मिनट का ही टाइम है। मेडिकल में कई बीमारियों के सिम्टम्स एक जैसे होते हैं, इसलिए करेक्ट असेसमेंट बहुत जरूरी है। आपका नाम? बैंडेज, प्रेशर बैंडेज। नो, इनस्टेबिलिटी। ओके, आप बताइए इनको क्या प्रॉब्लम है, कितनी इंजरीज है इनके शरीर में? इनके शरीर में काफी इंजरीज है, सिचुएशन क्रिटिकल है और अभी ईएमटी चेक कर रहे हैं कि कोई फ्रैक्चर्स है क्या। ओके, उनके फ्रैक्चर्स के हिसाब से फिर हम उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे ताकि उनको आगे कोई तकलीफ ना हो। ठीक है। टीम ए पेशेंट के पैर की चोट को असेस करने के बाद उसकी बैंडेजिंग कर रहे हैं, इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि कोई हड्डी तो नहीं टूटी। जज टीम ए की गलतियों को नोट भी कर रहे हैं। टर्न द पेशेंट ऑन द राइट, 1, 2, 3। टीम ए अब पेशेंट को एम्बुलेंस तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, पर पेशेंट को उठाने में काफी एहतियात बरतनी होगी, नहीं तो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए पेशेंट को सही टेक्निक के हिसाब से स्ट्रेचर पर रखा जाता है। ओके, तो ये था टीम ए का परफॉर्मेंस। इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट लिए हैं इस पूरे टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो अब देखते हैं टीम बी कैसे परफॉर्म करती है, कितना एफिशिएंटली करती है और कितने टाइम में करती है। टीम बी, आपका टाइम शुरू होता है अब। मुर्तजा की टीम असेस कर रही है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है और किस उपचार की जरूरत है। सांस चल रही है लेकिन थोड़ी तेज है। तास्मिया, आप ऑक्सीजन लगाओ। पल्स है, ये कैसे ब्लीडिंग हो रही है, आप ब्लीडिंग स्टॉप करो। सुजाता, पेशेंट क्रिटिकल है। पर यहाँ मुर्तजा ही कैप्टन के तौर पर सब कुछ देख रहे हैं। कैप्टन का ऑर्डर बहुत जरूरी होता है, पर क्या टीम भी फॉलो कर रही है इस ऑर्डर को? क्या जज इसके लिए नंबर काटेंगे टीम बी के? देखना होगा। इस स्पाइन बोर्ड पर पेशेंट को शिफ्ट करने के पहले मुर्तजा उसकी स्पाइन की इंजरी को चेक कर रहे हैं, ताकि स्पाइन बोर्ड पर शिफ्ट करते समय पेशेंट को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तीन बोलने पे लेगेंड वाला पेशेंट। पर ऑक्सीजन सिलेंडर की लापरवाही इनके विजेता बनने में रुकावट हो सकती है। अप्रोक्सीमेटली टीम ए के आसपास का ही टाइम लिया इन्होंने भी। अब बुलाते टीम सी को और देखते हैं कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं और कितना एफिशिएंटली। टीम सी, आप तैयार हैं? यस। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक बीएसआई प्रिकॉशंस। कैन समवन टेल मी हाउ दिस हैपेंड? दूसरे माले से ये भाई साहब गिर गए हैं और काफी टाइम से यहाँ पे पड़े हुए हैं। पड़ोसियों ने इनको देखा और आपको कॉल किया है। मुझे लग रहा है कि इनको तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। ठीक है, हम अभी आए हैं, हमारी टीम आई है, हम देखते हैं और जल्द से जल्द हम इनको ट्रांसफर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। टीम सी ने बखूबी सिचुएशन का जायजा ऑन ग्राउंड किसी शख्स से लिया और पेशेंट की कंडीशन जानने में काफी मदद मिली। ये काम बाकी टीम्स ने नहीं किया था। उनके बाएं पांव से शिव, यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, आप इसको प्रेशर देके ब्लीडिंग कंट्रोल करो। पेशेंट का स्किन कलर, टेम्परेचर भी कोल्ड है, पेशेंट को बहुत पसीना आया हुआ है, सो मैं पेशेंट का हेड चेक कर रहा हूँ। टीम लीडर आशीष इस समय मरीज के वाइटल स्टैट्स की जांच कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश हो रही है कि कितना नुकसान पहुंचा है। पल्स प्रेजेंट है।
जज भी लगता है टीम सी के बारीकियों को बड़ी बारीकी से नोट कर रहे हैं। तीन बोल के हम पेशेंट को रोल करेंगे। कुछ भी नहीं। स्ट्रेचर पर भी बड़ी सावधानी से पेशेंट को रखा जा रहा है और सही टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है और जरूरी बात कि ऑक्सीजन सिलेंडर को बिल्कुल सही जगह पर रखा गया है और ये टीम सी ने भी अपना असेसमेंट खत्म कर लिया और बारी है रिजल्ट की। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे टीम ए, टीम बी और टीम सी के जान बचाने वाले शानदार परफॉर्मेंसेस। सर आप बताइए कि टीम ए का परफॉर्मेंस कैसा रहा? असेसमेंट मेरे हिसाब से इतना सही नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट है सीन साइज अप। जी। तो उन्होंने सीन साइज अप नहीं किया था। कितने पेशेंट है, कैसे ये हादसा हो गया, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है, कुछ एडिशनल रिसोर्स चाहिए कि नहीं, वो उन्होंने नहीं देखा था। जब उन्होंने ऑक्सीजन चालू किया है लेकिन ऑक्सीजन का जो मास्क था वो पेशेंट के नाक और मुँह पे नहीं था। चलिए ठीक है, तो अब जानते हैं टीम बी के बारे में। टीम बी से पूछना चाहोगे उन्होंने क्या गलत किया? बिल्कुल, क्यों नहीं, सीन साइज अप नहीं किया आपने। एंड नेक्स्ट इज खाली एक ट्रीटमेंट में ग्रेट लैप्स था कि ऑक्सीजन तो सभी देते हैं पर ऑक्सीजन किससे और कितना देना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो आई थिंक एक ग्रेटेस्ट फ्लॉ था टीम लीडर का कि उन्होंने ऑक्सीजन का ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया। अब चलते हैं टीम सी की ओर। छोटी गलती हो गई है और बहुत इंपॉर्टेंट गलती हुई है। जब कोई ऊपर से गिरा हुआ होता है तो हमेशा ऐसा अनुमान किया जाता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। जी। जब स्पाइन बोर्ड पे पेशेंट को ले लिया और उसको हेड मोशन रिस्ट्रिक्टर लगा रहे थे तभी जो हेड एंड पे जो लीडर थे उन्होंने उनका सी स्पाइन छोड़ दिया था। ओके। वो सबसे बड़ी गलती है क्योंकि अगर छोड़ दिया और उनको रीढ़ की हड्डी टूटी है तो शायद ये इंसान दोनों हाथ और दोनों पैरों से अपाइज हो सकता था। अगर ओवरऑल देखें तो टीम बी और सी के बीच में नेक टू नेक फाइट बोल सकते हैं। नेक टू नेक कंपटीशन है और कोई भी जीत सकता है इस कंपटीशन को। तो जजेस, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब इन तीनों टीम्स में से विनर का नाम डिक्लेयर किया जाए। अगर ट्रू क्लियर विनर देखना है जी तो इट वुड बी हमारी यूनानिमस ओपिनियन है टीम सी।